बिहार में दिमागी बुखार का आतंक लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में ही बिहार में दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या 100 तक पहुंच चुकी है। दिमागी बुखार का सबसे ज्यादा कहर जिला मुजफ्फरपुर में नजर आ रहा है, जहां पर 77 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी बीच बिहार सरकार ने केंद्र से हर संभव मदद की अपील की है। जानलेवा इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार का कहर बिहार के कई जिलों में बढ़ता जा रहा है। इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आकर अब तक करीब 100 मासूम जान गंवा चुके हैं, जबकि 80 से अधिक बच्चे बिहार के कई अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी इंसेफेलाइटिस है या जापानी इंसेफेलाइटिस है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बीमारी से लड़ने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। एकदम टाइट हटवा गुड़वा आखिया ऐसे ऐसे मुहा हाथवा गुड़वा ऐसे करो नहीं बन पहचानत नहीं बन होश बाबा की पहचानत अब नहीं बन अपन कुछ नहीं कहते ना लोग ठीक हो जाए धीरे धीरे। ये जानलेवा बीमारी हर दिन मासूमों को अपना शिकार बना रही है। दिमागी बुखार का सबसे ज्यादा असर मुजफ्फरपुर में है, यहाँ अब तक 77 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो वही मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मान रहे हैं कि दिमागी बुखार के कहर के आगे राज्य सरकार भी बेबस है। दिमागी बुखार का कहर मुजफ्फरपुर के अलावा कई दूसरे इलाकों में भी बढ़ रहा है। पूरे राज्य में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से अकेले 77 बच्चों की मौत मुजफ्फरपुर में ही हुई है, जबकि पूर्वी चंपारण में 10, सीतामढ़ी में 7, समस्तीपुर में 3, गया में 3, वैशाली और बेगूसराय में 1-1 बच्चे की मौत हो चुकी है। तो वहीं 80 से ज्यादा बच्चे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। ये लंबा समय चल रहा है, अभी तक ये बात तो पता चली है कि साहब कोई इसमें इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई दूसरी चीज़ नहीं पाई गई है जो बाहर के कोई बच्चे हैं वो नहीं पाई गई है। इस बीमारी को हम लोगों ने एक्यूट एनसेफेलाइटिक सिंड्रोम का नाम दिया हुआ है। इसमें बच्चों को अचानक तेज बुखार चमकी के साथ बेहोशी और बेहोशी के साथ इन बच्चों का जान बीच में चला जाता है, डेथ भी हो जाता है। ये बुखार आमतौर पर 2 से 8 साल के बच्चे को शिकार बना रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक ये बुखार सिर्फ गले से ऊपर के हिस्से में आता है, साथ ही इसके लक्षण भी काफी देर से पता चलते हैं, और अगर बच्चे को सही वक्त पर इलाज न मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है।